आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे दादाजी बचपन में मेरे को एक कहानी सुनाते थे। हमारे गांव की कहानी है, जिसमें हमारे गांव में एक गांव के बाहर एक हवेली है जो कि खाली थी, कई सालों से खाली है। मैं तो देखता आ रहा हूँ, तो मेरे दादाजी कह रहे थे कि वो बचपन में एक बार खेत से आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो रात का समय था, 11 बजे हुए थे या 12 बजे हुए थे। दादाजी कह रहे थे हम 500 दोस्त साथ में आ रहे थे, उस हवेली के पास से रास्ता था, तो रात को वो आ रहे थे। जब उनको उस हवेली में से फाइलों की और कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, तो वो डर गए और यहाँ से भागते हुए घर आ गए, और उन्हें 2-3 दिन बुखार रहा। तो दादाजी ये कहानी सुना रहे थे तो मेरे अंदर भी चुल मच गई कि मैं भी वहाँ जाके आऊँ। तो मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी उस घर में हम जाके आ जाएंगे, तो दादाजी ने मना कर दिया हमको। तो हमारा प्लान था उस घर में जाने का, तो एक बार ऐसा बना कि हम गांव गए हुए थे और कुछ दोस्त साथ में मिल के और उस हवेली में रात के वक्त गए, तो पूरे गांव वाले सो गए थे। हम भी 4 दोस्त थे, चारों उस हवेली के गेट के बाहर गए और धीरे से उस गेट को खोला और हवेली के अंदर चले गए। पूरी हवेली छान मारी, कुछ नहीं नजर आया। फिर हवेली के अंदर गए, हवेली के अंदर का गेट खोला अपने दरवाज़ा, तो मकड़ी के जाले थे और बैटरी की रोशनी से चमका दूर उड़ने लगे, और हवेली के अंदर हमने सारे कमरे संभाल लिए, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। संभालते संभालते 2 या 3 बज गए थे, तो हमारा दोस्त पीछे रह गया, वो दूसरे कमरे में था और हम 3 दोस्त दूसरे कमरे में थे। तो अचानक चिल्लाया और कहा इधर आओ इधर आओ, तो हम उधर गए। उसने एक गेट की तरफ इशारा करके कहा वहाँ कुछ है, तो हमने उस तरफ एंट्री की तो हमें कुछ नहीं नजर आया और गेट के पास जाने की हमारी भी हिम्मत नहीं हुई। फिर साहस जुटा के हम चारों गए गेट के पास, और पहले तो हमने सुना गेट के अंदर क्या था, हमें फाइलों की आवाज़ें आ रही थी हल्की हल्की, तो हमारी फिर आपको पता ही क्या हुआ, तो हम वहाँ से दौड़े सीधे, मैं पीछे देखा ना भी देखा, उनके सारे अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर चला गया। जो हमारा दोस्त था उसको बुखार हो गया, फिर बाद में 3-4 दिन वो बुखार में रहा, और उसके बाद तो दादाजी ने जो कहानी सुनी थी वो सच्ची थी, हमें विश्वास हो गया। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक फॉलो शेयर करें, सब्सक्राइब बटन चलाएं।